इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय निहाल चंद गदिया, विमला देवी गदिया, पवन, मधु, सुनंदा, कमल, अलका, सुरेखा, राजेंद्र जी, शिप्रा, विजीत जी, श्रेया, ऋषभ, मेघा, नीनल, प्रतीक, कीर्ति, यश एवं हृदयम, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान, मुंबई, नई दिल्ली, गुरुग्राम व भीलवाड़ा। ओम नमः दिव्यः, ओम नमः दिव्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ कहीं भी तत्व सूत्र और उसकी टीकाओं उपटीकाओं के ऊपर तीन लोक के मानचित्र ऊपर मृदंग का आकार है, नीचे वेत्रासन का अर्थ होता है आप लोगों के यहाँ ग्लास होते हैं प्याला, उस प्याला को पेंदी को ऊपर करो और मुख को नीचे कर दो तो क्या हो गया, ये वेत्रासन हो गया। वेत्रासन करने से कई लोगों को दिमाग फिर जाता है, ये सबसे अच्छा। अब यह ऊपर मृदंग रखा और यह वेत्रासन ग्लास रखा, इसके बीच में दो संयोग है, उसको मध्य लोक माना जाता है। संक्षेप से यह आप लोग इसको जानते हैं। इसके बीचों बीच में, इस मानचित्र के बीचों बीच में ये एक त्रिसनाड़ी होती है जो कि 13 राजू प्रमाण लगभग वल्लोक में नीचे से लेकर के ऊपर तक है। आयताकार में रूप में इष्ट नहीं है, ऐसा फलित होता है इसमें। कैसे नहीं, क्योंकि दो मत हैं, एक आयताकार के रूप में, दो त्रिलोपन्नतिकार के माध्यम से उसका प्रचारित हुआ है। उनके पास भी कोई परंपरा तो अवश्य उनके गुरुओं के तो हुई, किंतु उमा स्वामी महाराज जी के इस रचना को वे आयताकार के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। उमा स्वामी महाराज जी ने यह नहीं कहा है यह आयताकार ही है, किंतु इनका ये कहना है, उसमें उन्होंने जो मध्य लोक के असंख्यात द्वीप और समुद्र, दो जम्बूद्वीप जिसके बीचों बीच में हैं, ये जो दिए गए हैं यही तो जाकर के मध्य लोक प्रमाण, तो वह थाली का आकार है, वह वलयाकार नहीं किंतु थाली का आकार है, तभी वह 1,00,000 योजन प्रमाण विस्तार को लिए हुए रहेगा। यह विस्तार का क्रम आगे आगे दुगुना दुगुना होता गया है। अब आप लोगों को स्वयं इष्ट होगा ये, इसका दुगुना जो जम्बूद्वीप का 1,00,000 योजन का दुगुना, वह लवणोद्वीप में दुगुना हो जाएगा, फिर उससे दुगुना होता चला जाएगा समुद्र। तो इस प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रों के आकार एक प्रकार से पूर्व पूर्व के द्वीप और समुद्र से दुगने दुगने होकर के वलयाकार, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।
वलय मैंने कंगन की भांति वह आकार बनता चला जाता है। अथवा आप लोगों के शुद्ध चक्र मंडल वगैरह बांधते हैं ना, तो बीच बीच में यंत्र रखते हैं, श्री जी को विराजमान करते हैं और वह वलय बनाता हुआ दुगुना दुगुना होता हुआ वह पूरा फैल जाता है। ऐसे ही मध्य लोक में द्वीप और समुद्र, तो इसके सर्वत्र विस्तार जम्बूद्वीप का 1,00,000 योजन प्रमाण है। इसके बाद यह क्रम वलय के रूप में आ जाता है। उसमें कोई भी साधन नहीं बताया है कि वह वलय के स्थान पर, वर्तुल के स्थान पर आयताकार देने वाला कोई भी शेप, कोई भी आकार प्रकार वहाँ पर नहीं दिखता। यह उमा स्वामी महाराज जी ने इस सूत्र के माध्यम से 3 लोक के विस्तार और उसका आकार बताने का पुरुषार्थ किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है सर्वत्र जम्बूद्वीप में, यानी थाली का जो आकार है वो थाली बीच से लेकर के व्यास तक, परिधि तक आप कैसे चले जाओ, सर्वत्र वह एक ही नाप का आएगा। जो ही आप इसको आयताकार बनाएंगे तो वहाँ पर 10x20, 15x20 आदि आदि आकार आएगा। किंतु वलयाकार देखेंगे तो उसमें सर्वत्र 1,00,000 योजन प्रमाण होगा, ये थाली हो गए। फिर आगे आगे द्वीप समुद्र वलय के रूप में है, कंगन के रूप में है, तो उसके दुगना दुगना आकार बनता चला जाएगा। बाकी सर्वत्र जो वर्णन है बिल्कुल ठीक है। तो यह एक प्रकार से मध्य लोक की रचना में वर्तुल का निर्माण हो गया और वलय के आकार के रूप में बीच के द्वीप समुद्र हो गए। अब इसके नीचे जो वेत्रासन है उसकी ओर देखो तो यहीं पर जो आप बैठे हैं यह रत्न प्रभा रूप एक प्रकार से नरक भूमि है। यहाँ से बहुत पास है नरक में, थोड़े से नीचे गए नरक में चली जाएगी, सावधानी रखो। तो ये कह रहा था कि नीचे नीचे वह बढ़त क्रम से वह वेत्रासन अथवा पैदा दिया था, वह बढ़त क्रम से होता है, एक एक प्रदेश में विकास होता गया है। तो नीचे जाकर के 7 राजू प्रमाण वह एक प्रकार से विस्तार, उसका जो ग्लास का मुख है वह नीचे आ गया। इसमें कोई रद्दो बदल कर ही नहीं सकते क्योंकि वही क्रम से विस्तार को प्राप्त हुआ है मध्य लोक का। तो अब ये इसी प्रकार वह मध्य लोक में जो विस्तार बताया 1,00,000 योजन अपने 1 राजीव प्रमाण, उससे ऊपर यदि जाना है तो बीच में मध्य लोक का उस शेर बताया है जो कि 1,00,000 योजन प्रमाण वहाँ जाकर के क्या आता है, एक प्रकार से ऊर्ध्व लोक की सीमा आ जाती है। इसको मध्य लोक बोलते हैं। यह बहुत कम प्रमाण वाला है किंतु है वह एक प्रकार से बिना समानांतर वृद्धि के, वह केवल ये पट्टी एक प्रकार से, जैसे आप लोग बच्चों को झबला अथवा फ्रॉक वगैरह पहनाते हैं ना,
हाँ, तो उसमें एक पट्टी दी गई है। उसी प्रकार ये मध्यलोक के लिए कहा, जिसको झालर भी बोलते हैं वो, और तरोरिव, हाँ, तरु मैंने वृक्ष होता, वृक्ष में भीतर जो गाँव रहता है वह वर्तुण के आकार में ही रहता है, उसी को बढ़ाते बढ़ाते आप चले जाइए ऊर्ध्वलोक में, तो वहाँ 14 राजु प्रमाण जहाँ होगा वहाँ पर वह एक प्रकार से उस मूसल भी इसको कहा है। मूसल होता है ना आपके यहाँ, कूटना पीटना तो बंद ही हो गया लेकिन मूसल तो होंगे, तो वो कभी एंगल नहीं होता, उसमें गोल रहता है और वहाँ हाथ में लेकर के कूटते रहते। उसी प्रकार तृष्णाड़ी वह एक राजु प्रमाण ऊपर जा कर के अवसान होता है। इससे स्पष्ट है यह ऊपर जो ऊर्ध्वलोक की ओर जला जाता है, जो मृदंग का आकार, वह भी जो बीचों बीच में एक राजु प्रमाण जो तृष्णाड़ी थी उसी का विकास होता हुआ ऊपर जाता है, और 10 योजन के बाद वहाँ पर घटना प्रारंभ होता है। घटता 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 वह कहाँ पर चला गया, 14वां मतलब 7वां राजु पूर्ण करता है, वहाँ पर रुकता है। ऊपर जाने के उपरांत भी वह गुलाय ही रहती कायम, और नीचे जाने के उपरांत भी गुलाय कायम रहती है। इसलिए लोक का आकार जो वर्तमान में आप लोग प्रदर्शित करते हैं, या मत तो है वो तो करते हैं, वो एक ही नहीं, किंतु यह गुलाय के आकार को लेकर के भी 3 लोक की रचना होती है। यह सिद्ध हो रहा है कि मध्यलोक के वर्णन के समय पर उमा स्वामी महाराज ने इस सूत्र के माध्यम से लोक के आकार को इस रूप में रखा है। यह निराधार है ऐसा नहीं, किंतु यह इस सूत्र के माध्यम से फलितार्थ निकलता है। इसमें से कहीं भी 777 राजु, तो इसके घन करने से 343 राजु प्रमाण, वह विस्तार 3 लोक का हो जाता है, किंतु उमा स्वामी महाराज के अनुसार इतना नहीं होता, ये फलितार्थ निकलता है। अकलंग देव ने अपनी टीका में, राजवार्तिक में टीका में इसका खुलासा किया है, उसके अनुसार यह एक पहले लैंप होते थे, आज होते हैं कि नहीं होते हैं बात पता नहीं, जो काज का होता है वह ऊपर मृदंग के आकार जैसा होता है, नीचे वेत्रासन जैसा होता था, उस प्रकार आकार बनेगा। इस आकार को प्रदर्शित राजवार्तिककार ने किया है, सर्वत्र शब्द देख करके, जहाँ जहाँ पर भी विकास क्रम होता है वह सर्वत्र उतना ही होता हुआ चला जाता है, एंगल में नहीं जाता, यह फलितार्थ है। आप लोग इस आकार के बारे में भी अच्छा अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जिस किसी किताब से नहीं, तत्पर सूत्र और उसकी टीकाएँ उपटीकाएँ के माध्यम से कर सकते हैं। और केवल 3 लोग के जो एक ही मात्र जो मानचित्र दिया जाता है वह एकांत हो जाता है, इसलिए हमें तत्मान सूत्र जब कभी भी मैं बोलता हूँ तो यही बोलना पड़ता है। हम इसमें से 343 राजु प्रमाण घन प्रमाण क्षेत्र को नहीं निकाल पाएंगे। अकलंग देव ने
इसके लिए छः संख्या को आगे थोड़े से रख करके और थोड़ा बना करके तीन स्थानों पर रख करके उसका जो क्षेत्र है तीन लोग का वह बहुत कम हो जाता है। यह भी एक लोग का मानचित्र है, क्योंकि तत्वाशुद्ध पढ़ने समय यह कोई भी वर्णन प्राय करके नहीं करते हैं, लेकिन उमा स्वामी महाराज जी की बात को भी गौर करना चाहिए। इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं क्योंकि पूजन भी कर चुके हैं और तत्व सूत्र का विवेचन तीसरा अध्याय का भी कर चुके हैं। अब ये भी थोड़ा सा छोटा सा वक्त दे दिया है। अब आप इसके बारे में चाहे तो वह किताब है जो छपी चौथे भाग या पांचवें भाग में प्रकाशन हुआ है, उसके साथ साथ यह उमा स्वामी महाराज जी का भी मानचित्र का जो आकार है वह छपा हुआ है, जहाँ तक मुझे स्मृति मिलती है। प्राय करके यह भारतीय ज्ञानपीठ वगैरह में प्रत्येक किताब के ऊपर इन किताब सर्वार सिद्धि हो या राजवार्तिक हो और कोई वृत्ति हो उनमें यही लिखते हैं, किंतु गुलाई का वर्णन हाँ इतना ही देते हैं, लेकिन गुलाई के आकार में भी है वह छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। नई चीज़ नहीं है, ये दो भेदों में इसका वर्णन किया। इसके साथ साथ और कहना चाहता हूँ कि षटकंग आगमकार ने जहाँ कहीं भी तीन लोक का वर्णन के बारे में, वस्तुओं के तत्वों के बारे में, जीवों के आवागमन कर्म के बारे में, क्षेत्र है, स्पर्शन है आदि आदि का जो वर्णन किया है, उसमें भी उन्होंने घन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया है, किंतु 5/14, 7/14, 6/14, 8/14, 12/14 इस प्रकार का ही स्पर्शन निकाला है, क्षेत्र को निकाला है। लोक समुद्घात जब केवली भगवान करते हैं लोकपूर्ण, तो उसमें भी इसी प्रकार का घटित किया, लेकिन उनने घन प्रमाण कहीं भी नहीं किया। तो घन इसका अर्थ यह है कि लोक के घन के बारे में जब हम सोचते हैं तो वह एक प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने इस विषय को इस ढंग से नहीं रखा। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बहुत दिन के उपरांत एक दंपति को संतान की प्राप्ति हुई और उसमें भी लड़का था, लड़का हुआ। कुल दीपक सुपुत्र है, कुल का दीपक होता है, दीपक के अर्थ तो आप समझते हैं, वह दीपक जैसे
वस्तुओं को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार कि वह अपना भी और पराया भी हित करने में सक्षम होता है। विवाह का संक्षेप से उद्देश्य भी यही होता है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि विवाह का उद्देश्य क्या होता, तो बाद में विवाद हो जाता है। यदि वह शुरुआत से ही परिचय हो जाता बात ही अलग है, तो पुत्र रत्न हुआ जब वह आंखें खोल देता है, इधर की पुतली थोड़ी सी इधर की ओर है और बाएं पुतली इधर की ओर थी। आंखें तो हैं, ज्योति तो है, किंतु सही दिशा में अनुपात से वह नहीं थी। अब तभी से ये चिंता होने लगी, ये लड़का इस ढंग से दिखता है, इसके लिए कौन लड़की चाहेगी? क्यों? और बिना विवाह किए इसका भविष्य क्या होगा? माता पिताओं को समस्या बहुत सारी रहती है। योग्यता प्रत्येक इंद्रियों की हो और बुद्धि भी ठीक हो, पार सारे इंद्रियां ठीक काम करती, किंतु बुद्धि तेज है, लड़का भी तेज है। अब क्या हुआ? बुद्धि तेज होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़का भी तेज है। इनके वंशज में ऐसे ही होता। लोग ये कहेंगे सब कुछ तेज है वहाँ पर, ज़्यादा तेज भी बोलो खतरनाक है। ज़्यादा तेज होना भी ठीक नहीं, किंतु मुख में तेज है, बुद्धि में भी तेज है, व्यवहार में नम्रता है। शुरुआत में आप लोगों के यहाँ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं, उसमें पूछा गया था गुणों की सुंदरता किस से है? ज्ञान से है। और ज्ञान की सुंदरता पदार्थ को सही सही जानने में विद्यमान है, इसलिए आज चूंकि हमने आपके दृष्टि के बारे में उदाहरण दे करके जो तीसरा दिन है रुजु का अर्थ क्या होता है? सीधा होता है। इसको संस्कृत में इशु गति भी बोलते हैं, यानी रुजु गति
विषु गति, सीधी गति हो जाना ये सिद्धों का प्रतीक है। सांसारिक जीवों की गतियाँ मृत्यु के बाद कुछ अपवाद छोड़ करके ऊपर की ओर हो जाती है और जिस दिशा में जाना है उस दिशा में वह मुड़ता भी चला जाता है। वह गति वक्र गति मानी जाती है। वक्र गति जहाँ अच्छी हो वहाँ तो ठीक है, लेकिन हर जगह है वक्र गति ठीक नहीं माना गया। वंकिम दृष्टि हमेशा हमेशा सुंदरता में कलंक लगाती, सुंदर वह नहीं लगती। उन्होंने मुझे मेरी ओर देखा तो सही, फिर आगे बोलो, तेरी दृष्टि से देखो। जब कभी भी आप सीधे ही बैल है गैया है उनके सामने जाओगे, वो पहले देखता है इसकी दृष्टि क्या कर रहा है, क्या कह रही है। उसकी ओर आप देखेंगे वो भी देखेगी, गैया भी बहुत शानी है लेकिन वह लाल आंखें करके देखेगी। फिर थोड़े से और हो जाए तो सींग भी दिखाएंगी, सिंगई जी सिंह नाम नख नाम पशु नाम से जिसके सींग होते हैं और जिसके नाखून होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, उनसे बचियो क्योंकि वो कभी भी वार कर सकते हैं। ये क्यों? इसमें कला है, इसमें एक विद्या है, इसमें एक और अच्छाई है, गंभीरता है। उसी प्रकार कि आप में सारी सारी बातें आ गई, यदि सरलता नहीं है, टेढ़ापन नहीं गया है, तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे लिए अभी कई चातुर्मास अपेक्षित है। कहीं भी हो चातुर्मास, लेकिन अभी और अपेक्षित है। क्यों कहा ये? इसलिए कहा क्योंकि इसका स्वरूप इस प्रकार नहीं होता है। इसमें पास होने के लिए आचार्य ने सर्वप्रथम माया मिथ्या और निदान ये सम्यक दर्शन के साथ नहीं रह सकते, इन तीनों का अभाव होना आवश्यक है। माया मिथ्या निदान इन तीनों का अभाव होए बिना वह वृत्ति बन नहीं सकता। वृत्ति बन गया वृत्तों के धारण करने मात्र से वृत्ति नहीं होता, किंतु माया मिथ्या निदान इन तीनों से भी ऊपर उठना अनिवार्य है, तभी उसको हम वृत्ति कह सकते हैं। एक सज्जन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, व्रत जो है अनुवृत्त के रूप में भी होते हैं महाव्रत के रूप में भी होते हैं, तो
जो देशवृत्त होता है उसको जो धारण करता है उसके पास कौन से शल्य मुक्त होना चाहिए, शल्य से तो मुक्त होना चाहिए, उसके पद से कषाय और भी शेष रह जाती है, उनसे भी मुक्त होना अगले गुणस्थानों में वह संभव है। पूरे पूर्ण व्रत अनु है, अनु के रूप में यानी एक देश है, तो उनका कहना एक देश है तो एक देश मिथ्यात्व भी रहता होगा। तो वो कहते हैं वीतराग सम्यक दर्शन, और उसके अभाव में जो सम्यक दर्शन रहता है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। आप प्राथमिक कक्षा में पास होते हैं और आपके नंबर क्रमांक अंक बहुत अच्छे आ गए, किंतु किसी दूसरे ने पार किया, परीक्षा दे दी, वह परीक्षा में एक दो अंक आपसे कम ले आता है, आप कहेंगे उनको ये प्राथमिक परीक्षा में के समान ही है। नहीं, उनके वो उपरीत कक्षा के अंक हैं। उसी प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण इनके भेदो भेद होते हैं, इसलिए मुनि महाराज के पास जो वृतत्व है वह वीतराग सम्यक दर्शन की अपेक्षा से अनुवृत्ति के पास जो रहता है वह अनुवृत्ति के अनुरूप ही होगा, क्योंकि उसके जो टेढ़ापन है, उसके जो कषाय हैं, उसकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि में वीतरागता नहीं रहती है। आपके पास जो आस्था है और एक मुनि महाराज के पास आस्था है, दोनों को एक ही तराजू से न तोला नहीं जा सकता। इस प्रकार ये माया मिथ्या निदान ये तीन कहा गया है हमारे प्रतिक्रमण में, कौशल्लाय मानसल्लाय मायासल्लाय लोभसल्लाय प्रेमसल्लाय पिवासल्याय। इस प्रकार कम से कम भी हमने आपके सामने 12 शैल्य निकाला, इसमें कोई भी मिथ्या नहीं रहा है, नहीं तो कषाय का अतिरेक होता है तो वह शैल्य अलग होता है, और कषाय के अतिरेक के बिना जो होता है उसको कषाय कहेंगे। कषाय करना और माया शल्य होना और माया कषायक होना बहुत अंतर है। माया संजलन के साथ भी हुआ करती है, और माया अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के साथ भी हुआ करती है। तो गृहस्थों का व्रतत्व और उनके जो शल्य का अभाव उसी के अनुरूप हुआ करता है। सभी बच्चों को आप एक से नहीं गिन सकते, किंतु उसमें तारतम्य अवश्य बना रहता है। तो वृत्ति को सर्वप्रथम माया शल्य से दूर होने के लिए आचार्यों ने कहा है। इस शल्य से यदि दूर नहीं होता है तो वह व्रत एक हमेशा हमेशा भीतर से वह कचोटता रहता है, वह उससे चैन नहीं लेने देता है। वो भले कहता या नहीं कहता है दूसरे के सामने, किंतु उसके भीतर वह चुभन चलता रहता है, क्योंकि पैरों में यदि कांटा गड़ जाता है वह ठीक बैठने नहीं देता है,
नींद भी नहीं लेना देता है और उसको हाथ लगाने भी नहीं देता है और अपने आप ही कराहने लग जाता है। इसी प्रकार अब चलता है तो वह लंगड़ाता हुआ चलता है, गति में अंतर आ जाता है। तो इसलिए अब एकदम निकाल दे ऐसा नहीं निकल सकता। कालांतर में यदि मान लो पुराना हो जाए वो, तो क्या बोलते हैं, पैरों में चाय हो जाती। चाय का अर्थ क्या? चाय का अर्थ ये है वह भीतर जो घुसा है वो इस प्रकार पैरों में आत्मसात कर लेता है और वहाँ की जगह को वह रक्त संचार से मुक्त कर देता है और पैर रखे ने वह एकदम उछल जाता है, उसका चलना ही मुश्किल हो गया। इसलिए सावधानी रखियो कि वह चाय न बन जाए। ये चाय इस जीवन में भी रह सकती है, अगले जीवन में भी रह सकते हैं, उसके अगले जीवन में भी रह सकती है। जिसके साथ आपको माया शैली थी वह व्यक्ति सिद्ध भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपकी चाय उसके नाम से यहाँ पर पलती रहती है। सुन रहे हो? जिसकी वजह से आपको शल्य हो गया था वह व्यक्ति माफ़ी मांग करके और चला गया, तुम जानो तुम्हारे काम जाने, तस्मिच्छामि दुक्कड़म भगवन, मेरी गलती हो गई। वह चला जा सकता है लेकिन उसको आप क्या कहते हैं, देखना है एक बार, छोड़ नहीं सकता, ये ध्यान रखो ना। हमारा नाम क्या है मालूम है? अब वो सिद्ध परवृत्ति बन चुका, वो क्या कहेगा? जब मुनि महाराज के पास गया, निमित्तज्ञ थे महाराज, पूछा, महाराज इसके कारण मुझे आज भी वह शांति नहीं लेने देता, वो कहाँ है बता दो। सुना है कि जाति स्मरण आपको हो जाता है। मैंने कहा ठीक, सुनना चाहते हो? हाँ, इसलिए तो मुझे आया हूँ, आपके मुख से सुन करके मैं इसको थोड़ा सांत्वना दे दूँ, देख लो वो सुनना अच्छा नहीं। ठीक है, आपके मुख से सुनने में कोई वादा नहीं, दूसरा कोई कह दे तो फिर उसमें पीड़ा हो जाती। हाँ, सामान्य व्यक्ति के माध्यम से कोई बात सुन ले, आ गया समझाने के लिए, पहले समझा करो, समझदारी के साथ बात किया करो, हमारे सामने मत आया करो, समझे? वो सोचता है कि भैया ये क्या कह रहा है, सही बात तो मैं कह रहा हूँ, गुरुजी कहते हैं इसलिए आपको सुनने योग्य नहीं है वो। महाराज बता दो, बिल्कुल ठीक है, आप कहो दो तो छोड़ दो, तो छोड़ दूंगा। अब छोड़ने से क्या होता है, क्या हुआ महाराज बताओ? जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो वह मेरे भी और तुम्हारे भी आराध्य बन चुके हैं। आप उसको लिख करके रख लो, किसी को नहीं दिखाना। क्या है ये, बहुत कुछ ऐसे गांठ पड़ जाती है जिन गांठों को खोलना बहुत कठिन होता है। अनंतानुवंदी जन्य गांठ अलग होती है,
अप्रत्याख्यान जन्य अलग होती है, प्रत्याख्यान जन्य अलग होती है, संजरण जन्य अलग होती है। और यह एक प्रकार से सारे के सारे असंख्यात असंख्यात प्रमाण हुआ कर पैरों में छाए हैं, अब कैसे चल रहे हो महाराज? हमने आत्मा के ऊपर विश्वास कर लिया इसलिए तो सब हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, श्वास चार्ज पर तो आपको विश्वास तो है, लेकिन कितनी चाय हैं ये भी तो देखा करो। बहुत दिन के हैं, पूरे पूरे उसको काट भी दो औजार से, वह चमड़ी तो निकल जाती है, निकल करके उसके भीतर भी चले जाएंगे तो वहाँ पर अलग ही प्रकार का वस्त्रण बना हुआ रहता है। उसको देखने से ये कब निकलेगा, ये कई बार इसको काटना होगा, और जब तक कटता जाएगा तब तक तो उसको काटना ही चाहिए। कई बार ऑपरेशन होने के उपरांत भी, शल्य चिकित्सा होने के उपरांत भी वो ठीक नहीं हो पाता है। पुराने आसामी हैं, सर्प की उम्र 70 भी हो सकती है, और भी बड़ी हो सकती है, विशेष कोई सर्प होगा तो। और आप 70 में कितने बार मरण को प्राप्त हो जाते हैं पता नहीं, ऐसा भी होता, अंतर मुहूर्त में भी मरण होता है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मजो दुख पान, जन्म भी ले रहा है 18 बार और मरण को भी प्राप्त कर रहा है, और मरण होने से पूर्व में आयु को भी बांध रहा है। जन्मा ही नहीं, अंतर्मुर्त हुआ ही नहीं, आयु का बंध भी हुआ और अंतर्मुर्त गुजारा और उसकी मृत्यु भी हो गई। आपकी भी कथा ऐसी ही है, अपनी कथा के बारे में सुनना चाहो तो लगेगा कि मेरा ऐसा जीवन हुआ था। हाँ, सभी का इतिहास लाल शाही से लिखने योग्य है, और ऐसे आप प्रशंसा की बात तो सुनना चाहते हैं किंतु आलोचना की बात भी तो सुनने का अभ्यास किया करो। आपका वह नोटबुक जिसमें नोट्स लिए गए वो पूरे पूरे कितने बार उसमें लाल स्याही से लिखे गए, यह सर्वज्ञ के पास जाने के उपरांत ही ज्ञात होगा। उसको सुन करके कोट जीवते जातन भले, करोड़ों जुब्बाओं के माध्यम से भी उसका व्यथा का कथा लिखा नहीं जा सकता। ऐसे मायाचार से भरपूर हम लोगों का जीवन है। प्रतिक्रमण करने वाला ये साहस के साथ करे, यहीं से प्रारंभ करता हूँ प्रतिक्रमण, आप लोगों को भी इसी प्रकार कह देते हैं। कैसे करना चाहिए? पापिष्टेन मया, मैं कैसा हूँ भगवान? पापमय हूँ अथवा पाप से
भरा हुआ हूँ, अब उसमें से एक बूंद डाल लो तो ऊपर उछल जाएगा, इतना भरा हुआ हूँ। पुण्य की एक कणिका भी उसमें नहीं है, क्योंकि पुण्य आ भी जाए तो पाप इतना है और भाव बिगड़ते रहते हैं तो वह संकरण भी तात्कालिक हो जाता है। आँव की बीमारी किसी को हो जाती है, आँव का अर्थ क्या है, अपक्व रस है, रस पूर्ण नहीं बना और वह पचा नहीं। तुम हमारे वश ने पैसा खा लिया इसलिए तो हमने भी उनके माथा खा ले। ये फिर भी ठीक है, किंतु वह भीतर रखा हुआ जो है इसको निकालना बहुत कठिन। गुरु मैंने बहुत बड़ा समय दिया, काय के लिए, लघु बनने। कितना बड़ा उपकार उन्होंने किया है तुम्हारा, कल्याण गुरु बनने से नहीं, गुरु की बात मानने से है। इसलिए अहो भाग्य समझ करके हमें चाहिए, गुरु ने यदि जो कहा है वह आज तो है ही नहीं, किंतु ये सौभाग्य है कम से कम उन्होंने क्या कहा था वो कम से कम स्मरण में तो आ रहा है। ये भी उन्हीं की कृपा की देन है, उन्होंने ऐसा हम लोगों को बांटा है। क्या बांटा है, अच्छे अच्छे चीज़ों का उपहार दिया है, उसके द्वारा हमारा कल्याण निश्चित है। उस निश्चित को और निश्चित करने के लिए उनके वह स्मरण हमें बार बार याद कर लेना चाहिए। और समय आपका हो गया होगा, हाँ, फिर भी आप लोग अच्छे ढंग से इसको स्वीकार कर रहे हैं और सुन रहे हैं, आपका यह सुनने का और ग्रहण करने का दोनों कार्य सार्थक हो, यही कहता हूँ। और पुरानी बात है लेकिन वहाँ कई व्यक्ति आए हैं, नए भी आ सकते हैं, उसके लिए भी कहते हैं आर्जव मैंने वक्रता का अभाव, रिजोर भाव है आर्जवम, जो वक्रता का अभाव है रुजु मति और विपुल मति। इस प्रकार दो मन पर ज्ञान होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है, सीधा हो जाना इसका नाम है रुजु। जैसे छोटे बच्चे जो अभी जन्म लिए माता पिताओं के सामने सीधे सीधे ही वह बोलते हैं, कोई उसमें चुपड़ करके नहीं बोलते, बगार दे करके नहीं बोलते। बगार देने से उल्टा बिगड़ जाता है, बिगाड़ना नहीं अपने को, उसको सुधारना है। तो क्या है, सीधा बनना बहुत सीधा है। आप यूं घुमा करके पेंसिल से लिखने का प्रयास करो,
वर्तुल तो बन जाता है, लेकिन सर्वत्र उसका नाप तोल सही नहीं आता। खूब यह एक प्रकार से कला है, किसी को नहीं आता इससे चिंता मत करो। यदि आप सीधी लकीर यदि खींचते हैं तो पर्याप्त है, बहुत कम समय में आपको नपा तुला वह वर्तुल अवश्य बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? तो केंद्र को छूटी नपी सीधी रेखाएं वृत्त बनाती। क्या है ये? यह एक 17 अक्षरों में 5 मिनट नहीं लगता और वर्तुल का निर्माण हो जाता है। 5 मिनट के भीतर भी आप यदि चाहते हैं तो वह वर्तुल बनता हुआ दिखने में आ ही जाता है। पहले समझ में एक लकीर खींचा, मान लो 5 इंच बाय 5 इंच, उसके बीचों बीच में कोई भी संकेत उसमें रखो तो, और इधर से 5 इंच बीचों बीच में खींचो, 2 लकीर खींचे अपने सीधी ऊपर से नीचे और आजू से बाजू, फिर इसके उपरांत पूछो आप कितने इसमें 2 तो लकीर खींचे हैं किंतु 4 भाग हो जाते हैं, होते हैं ना। हाँ, फिर इसके बीच में उतने ही 5 इंच की एक और रेखा खींचो, उतने ही नपी हुई हो और सीधी हो। आपको क्या चाहिए? वर्तुल चाहिए ना, मिल जाएगा। यह 3 लकीर लिखी गई, 6 भाग हो गए। एक और लकीर खींचो तो 4 लकीर हो गई और 8, क्या बनता, 28 जिसको बोलते हैं। हाँ, बन जाता है इस प्रकार। ये 8 के बाद 4 के बाद 8 बने और एक और इस प्रकार करते हुए 8 लकीर खींचते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर आपके वर्तुल का आकार दिखना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही लिखते लिखते आप आगे लकीर बढ़ाते जाओ, लेकिन लकीर से फकीर मत बनो, क्योंकि वर्णमाला के बिना भी हम एक प्रकार से वर्तुल बनाना सिखा रहे हैं। ऐसे करने से यदि 16 लकीर आप खींचोगे नपी तुली, किंतु केंद्र को छूटी हुई होना चाहिए। केंद्र कहाँ है? सबके बीचों बीच में एक संकेत पूर्ण विराम जैसे दिया गया, उससे छूटी हुई जाए तो 16 लकीर होते ही 32 उसके भाग होने से बिना परिधि के बात करें अपने आप ही परिधि दिखने लग जाती है। बहुत दिन के भी हो आप, फिर भी 5 मिनट में यह वृत्त बनाना सिखा देती है। इतना मोक्ष मार्ग सरल है ये कह रहा हूँ। कहाँ भैया, बहुत टेढ़ा होगा मोक्ष मार्ग।
सुनते हैं बहुत दूर है और बहुत ऊपर है। ऊपर के चलना चलना तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऊपर चढ़ना बहुत कठिन है। वो कहाँ से कैसे जाएंगे? चिंता न करिए, किंतु ध्यान रखिए, सावधानी के साथ किसी की ओर मत देखो, अपने आप की ओर देखो अथवा अपने लक्ष्य की ओर देखते जाओ, अवश्य ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। कैसे मिलेगी बताओ? वर्षा की जोर होने के उपरांत भी आप लोग सुन रहे हैं ना? ये बिल्कुल अब आवाज़ ध्वनि आ गई। हाँ बहुत अच्छा। वो कितने भी जोर करने दो, उसकी ओर कानों को नहीं ले जाना और लकीर खींचते चले जाना। यही गुरु ने कहा था, लघु बनने, छोटा बनना है तो मेरा यह आपके लिए समय फल जाएगा। और गुरु बनना चाहते हो तो आप देखो, हम आपको गुरु नहीं बनाना चाहते, किंतु लघु बनाना चाहते हैं। भारी भरकम होना ऊपर जाने में बाधा है ना? वजन बढ़ रहा है, भारी हो रहे हैं। इसलिए सिद्ध परमेष्ठी जब पूर्णतः हल्का हो जाते हैं तो ऊपर की ओर एक समय में मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इतना ही पर्याप्त है। वर्षा भी वृत्ति है, वह आपके लिए, क्योंकि दो दो तीन तीन उपवास किए हुए हैं, आगे के संकल्प भी है, इसलिए उनका प्रबंध वह वृत्तियों का वर्षा भी कर रही है। धन्यवाद। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय निहाल चंद गदिया, विमला देवी गदिया, पवन, मधु, सुनंदा, कमल, अलका, सुरेखा, राजेंद्र जी, शिप्रा, विजीत जी, श्रेया, ऋषभ, मेघा, नीनल, प्रतीक, कीर्ति, यश एवं हृदयम, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान, मुंबई, नई दिल्ली, गुरुग्राम व भीलवाड़ा।